और ये तो मार देगा, बहुत गंदा डैमेज दे रहा है, भागो यहाँ से। हमारा डायनो हो चुका है भाई। हेलो, ये गॉडजिला है क्या बे? ओके, तो हेलो दोस्तों, आ चुके एक और नए आर्क असेंडेंट के एपिसोड में, तो स्वागत है गाइस आपका। तो गाइस पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कि हमने टेम किया था अपना इवो रेक्स, जो कि सच में कुछ ज्यादा ही पावरफुल डायनो है। और भाई अभी एक सेकंड इसकी जब दहाड़ देखना भाई, भाई क्या सच में कितनी ज्यादा रियल आवाज है। मतलब कि आपने मूवी तो देखी होगी, ओके, और अगर नहीं देखे तो मूवी भी देखो जाकर और पिछली वाली वीडियो भी देखो जाके, जो कि भाई सच में ज्यादा ही अमेजिंग वीडियो है। और गाइज अगर किसी ने भाई अभी तक तो खैर किसी ने नाम सजेस्ट नहीं किया, तो प्लीज नाम सजेस्ट कर देना इस डायनो का। ओके, तो गाइज आज हम लोग जो डायनो टेम करने आ रहे हैं वो है इसी का बड़ा भाई, इवो गीगा। सीरियसली वो भी पैसिव टेम होता है और भाई बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से टेम होता है, बट उसके लिए मेरे को करना पड़ेगा एक डायनो टेम। क्योंकि गाइज वो पहली बात तो टेम ऐसे होता है कि हमको अपने डायनो को, जो हमारा जो बेजीस केक होता है वो हमें अपने डायनो की इन्वेंट्री में डालना पड़ेगा, नार्कोटिक्स डालनी पड़ेंगी, इससे वो बेहोश होगा, समझ रहे हो? मतलब कि वो हमारे डायनो को अटैक करेगा, ऐसे वो बेहोश होगा, टॉर्पर चढ़ाएगा, ऐसे वो बेहोश होगा। ओके, तो हमको ये सारी चीज़ें करनी है। तो अब उसके लिए मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मेरे को अपना मोरो रेक्स लेके जाना चाहिए या फिर एक स्टैगो टेम करना चाहिए, क्योंकि गाइस स्टैगो कम डैमेज लेता है अपने ऊपर, आप भी जानते होंगे, और हमारा मोरो रेक्स भी कम डैमेज लेता है। बट दिक्कत ये है कि मेरे मोरो रेक्स की बहुत कम हेल्थ है, इसलिए मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मेरे को करना क्या चाहिए। तो ये है, देख सकते हो मेरे जो मोरो रेक्स है इसकी 40,000 सिर्फ हेल्थ है। ओके, अभी मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि ये रिस्क मेरे को लेना चाहिए या फिर नहीं, या फिर एक नया डायनो टेम करना चाहिए। वैसे गाइज वो डायनो जो होता है वो तो बहुत ईजी टेम हो जाता है, तो मैं सोच रहा हूँ कि मेरे को एक स्टैगो ही टेम करना चाहिए। ओके, ताकि मेरे को ज़्यादा दिक्कतें ना हो, है ना। तो अभी काम करते हैं, पहले तो सारी चीज़ें कर लेता हूँ, पहले तो मैं बेजीस केक बना लेता हूँ काफ़ी सारा। ओके, उसके बाद जो भी नार्कोटिक्स वगैरह, नार्कोटिक तो मेरे पास काफ़ी सारे रखा है ना, मैं आपको दिखा देता हूँ। आई थिंक मैंने इसमें रख रखा था शायद। ओके गाइस, देख सकते हो नार्कोटिक तो मेरे पास काफ़ी सारा है, 400 के समथिंग पड़ा हुआ है। बट मेरे को बनाना पड़ेगा एक कुकर भी बनाना पड़ेगा। रुको यार, एक कुकर भी बना ही लेता हूँ अभी, ठीक है ना। अरे बन चुका, बहुत इजी बन गया, ठीक है, पॉलीमर ही नहीं खींचता भाई ये। ओके, तो भाई अभी देख सकते हो मैंने काफ़ी सारा बेजीस केक बना दिया है। ओके, कहाँ गया, देख सकते हो कभी कभी 100 के समथिंग बना दिया और ये स्पॉयल भी काफ़ी टाइम में होगा। ओके, तो अभी एक काम करते हैं, बेजीस केक तो बन चुका है, मैं इसको तब तक यहाँ पे रख देता हूँ। अभी मेरे को करना पड़ेगा एक स्टैगो टेम, तो फटाफट से चलता हूँ एक स्टैगो टेम करके आता हूँ, उसके बाद भाई करते हैं वो डायनो टेम। अभी मेरे को समझ में नहीं आ रहा है स्टैगो, आई थिंक जहाँ पे मैंने कल रेक्सेस को मारा था ना, सॉरी टेम किया था, वहाँ पे काफ़ी सारे स्टैगो घूम रहे थे, तो एक हाई लेवल का ढूंढता हूँ और पकड़ के लग के आता हूँ उसको। ओके ओके, मेरे को स्टैगो तो दिख चुके, 270 लेवल का दिख चुका है, एक बहुत ज़्यादा हाई लेवल है ये। अभी मेरे को वही बात है कि इसका भी लेवल अप कराना पड़ेगा, वहाँ पे रेक्स भी घूम रहा है। सबसे पहले गाइस इसको टेम करता हूँ, इसका बच्चा भी है मेरे पास। यार एक काम कर सकता हूँ, इस बच्चे को टेम करके इसका इम्प्रिंट कर लूँ तो। चलो भाई इसको टेम करता हूँ जल्दी से, इसको लगाता हूँ इधर और यहीं पे टेम करता हूँ, ऐसे ही हो जाएगा बहुत ईजी। चलो भाई हो जाएगा अब ये टेम, हो जा भाई हो जा, बेहोश हो जा, अरे हो जा। ओके, हो चुका है बेहोश, अबे ये तंग करेगा। ओके, तो अभी ये टेम हो जाएगा जल्दी से, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बाकी इनके बच्चे को भी क्लेम कर लूँगा, ताकि इनको शायद से मैं इम्प्रिंट करके कर सकूँ, देखते हैं ये इम्प्रिंट हो भी पाएंगे कि नहीं होंगे। ओके गाइज, मेरी इन्वेंट्री बनती है क्या? अबे यार मैं तो कन्फ्यूज़ हो गया, सॉरी भाई, मुझे लगा कि मेरी इन्वेंट्री में नहीं बनेगी। बाकी ये 400, ओके तो ये है 400, ओके ठीक है, 400 लेवल का हो चुका है अभी। आई थिंक इतना इनफ होना चाहिए, मेरे को कंफर्म नहीं पता है, नहीं तो वैसे भी मेरे पास तीन डायनो तो हैं ही, अगर एक मर गया तो फिर क्या ही हो, कोई दिक्कत नहीं है, तीन डायनो हैं मेरे पास जो कि अपना थोड़ा पावरफुल रहेंगे। बाकी अभी एक काम करता हूँ, रुको, अरे इसको सेडल पिना देता हूँ मैं, बाकी एक इसके वेटिंग पॉइंट डाल देता हूँ, बाकी सारे मैं इसके हेल्थ में ही डालूंगा मोस्टली। अभी जल्दी करना, अभी देख सकते हो ये सारी चीज़ें तो हो रही हैं, अभी लेवल अप और आ चुका है भाई काफ़ी ज़्यादा, तो मैं इसकी मोस्टली 4-5 लाख, जितनी ज़्यादा हेल्थ हो जाएगी ना उतनी ज़्यादा सही रहेगा। चलो भाई आई थिंक इतनी हेल्थ, जो 4 लाख के समथिंग मैंने हेल्थ कर दी है इसकी, ओके तो देख सकते हो भाई करीब करीब 4 लाख के समथिंग मैंने इसकी हेल्थ कर दी है। अभी मोस्टली इसको क्रायो कर लेता हूँ,
घर पे चलते हैं, इसको हील कराते हैं और करते गाइस जल्दी से उस डायनो को टेम जो भी अपना गीगा है। ओके, तो मजे आएंगे काफी ज्यादा। चलो भाई, मैंने सारी चीजें रेडी कर ली हैं, मैंने अपना डायनो भी हील कर लिया, मैंने बैजेस भी ले ली हैं और मैंने कर लिया है अपना आर्मर भी रिपेयर। ओके, अभी एक काम करता हूँ, जल्दी से करता हूँ वो डायनो, कौन सा था भूल गया मैं तो। ओके, ये गया वो डायनो, हालांकि इसका फुल लेवल आया नहीं है। ओके भाई, लैग हुआ क्या, गंदा लैग हुआ। अभी इसका फुल लेवल तो नहीं आया, बट आई थिंक सही है यार। मैं सोच रहा था इसका सैडल भी अपग्रेड कर लेता। ओके, ताकि काफ़ी ज़्यादा सही चीज़ रहती। अभी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी इसका लेवल अप आ रखा है, अभी मैं लेवल अप करूँगा, फिर से ही हील मांगेगा। चलो कोई दिक्कत नहीं, इतनी तो हील हो जाएगी। बाकी अभी एक काम करता हूँ, इसको करते हैं क्रायो और चलते गाइस उस जगह पे जहाँ पे वो गीगा देखा था, वहाँ चलते हैं। ओके ओके, मेरे को एक एंडोरेक्स तो मिल चुका है, बट मेरे को चाहिए है ईवो गीगा। ओके, और मोस्टली इधर ही कहीं होना चाहिए। ओके गाइस, मिल चुका है मेरे को ईवो गीगा, और भाई देख सकते हो इसकी है 1,88,000 हेल्थ, जो कि बहुत ज़्यादा है, सच में बहुत ज़्यादा है भाई। तो अभी ये काम करता हूँ, ये टेम पैसे भी टेम होता है, हालांकि इस पे लिखा है नॉकआउट टेम, हालांकि इस पे लिखा है कि ये नॉकआउट टेम, बट ऐसा नहीं है, ये नॉकआउट टेम नहीं होता, ये अपना वही चीज मांगेगा। ओके, तो अभी एक काम करते हैं, जितनी भी सारी चीजें मैं इधर रख लेता हूँ, बाकी जो भी ये गए स्टैगो, और चलते गए जल्दी से। थोड़ी सी स्पीड भी बढ़ा दी थी मैंने, तो आई थिंक इतना इनफ होना चाहिए। बाकी बैजीज डाल देता हूँ इसके इसमें इन्वेंट्री में, और ये भी डाल देता हूँ ताकि जो ये भाई साहब खाएं वो सही रहे। अभी यार कायदे में तो मेरे को ट्रैप से करना चाहिए था, बट यार ट्रैप ही आई थिंक ये तोड़ देगा। वैसे भी यार स्ट्रक्चर डैमेज है, तो आपने पहले देखा ही होगा कि मेरा स्ट्रक्चर मतलब कि उसने तोड़ दिया था। ओ हेलो, ये तो बहुत गंदा डैमेज दे रहा है। क्यों हिला डाला ना? कुछ खा भी तो नहीं रहा। हेलो, ओ हेलो, ये तो मार देगा तेरा। भागो यहाँ से, भागो यहाँ से, भाग जाए यहाँ से, भाग जाए यहाँ से। बहुत गंदा डैमेज दे रहा है ये तो, बहुत गंदा डैमेज दे रहा है भाई। ये निपट पाएगा, ये निपट पाएगा। अरे नहीं। ओके, खाया इसने, खाया खाया, बट हेलो ये बेहोश क्यों नहीं हो। बट भाई मेरा डायनो निपट जाएगा ब्रो। अरे खाता क्या है ये? फिर से खाया यार, खा तो रहा है बट ये वो कर 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 क्यों नहीं रहा तो साले। अरे भाई अबे, ऐसे कम डैमेज ले रहा है क्या वो? हाँ ऐसे कम डैमेज ले रहा है, पहले क्यों नहीं किया ये चीज मैंने? भाई साहब बहुत गंदा डैमेज दे रहा है ये तो। भाई ये बकवास चीज है भाई, मैं नहीं कर रहा, मैं नहीं कर रहा, मैं नहीं कर रहा भाई। मेरा डैनो निपट जाएगा। और नहीं, अबे छोड़ भी तो नहीं रहा ये, क्या करूं? जल्दी से क्रायो कर लूं, मर जाऊंगा यार मैं, बहुत मर जाऊंगा ऐसे तो, मैं ऐसे भी तो मर ही जाऊंगा। ओके भाई, एग्रो तो हो गया किसी पे। रुको भाई, इसको जल्दी से अंदर करो भाई, 1 लाख हेल्थ बची है इस नल्ले की। ओरे भाई भाई भाई, ये कैसे होगा टेम? एक इसको मार के देखूं यार, क्योंकि मैंने देखा था भाई वो हो तो ऐसा, बट ये बैजीज खा ही नहीं रहा है, बैजीज तो खा ही नहीं रहा भाई साहब। आ गया आ गया आ गया आ गया, भाग ले, भाग 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 भाग। ओके हट गया भाई, देखो इसको ना ही बैजीज से कोई फर्क पड़ा, ना ही उससे फर्क पड़ा भाई। ऊपर से मेरा डायनो निपटवा देता अभी ये भाई, मेरे को कुछ तो और करना पड़ेगा, मेरा डायनो निपट जाता भाई अभी। जबकि यार पता है इसने 2 बैजीज खा भी लिए, मेरे को समझ में नहीं आ रहा ये टॉर पर क्यों नहीं ले रहा है। 2,000 years later ओके, तो गाइस अभी देख सकते हो, आई थिंक वो डायनो शायद से ग्लिच हो गया था। ओके, बट अभी ये देख सकते हो ये खा भी रहा है और ये हो रहा है टॉर पर। ओके, मतलब पता नहीं खा रहा है, पता नहीं नहीं खा रहा, बट ये मेरे को मार रहा है, हिट कर रहा है, बट इसका हो रहा है टॉर पर। ओके, तो गाइस ऐसे ही होगा ये डायनो टीम, बट इसमें अच्छी चीज़ ये है कि ये गाइस मैंने अपना जो सैडल ही अपग्रेड कर लिया, इसलिए कम थोड़ा डैमेज ले रहा, बट भाई सच में कुछ ज़्यादा ही टॉर पर दे रहा है। तो ठीक है गाइस, अभी ये देखते हैं कितनी देर में होगा, मेरे को भी नहीं पता। ये खा रहा है देखो, ये अगेन खाया है इसने। ओके, तो धीरे धीरे खा भी रहा है, तो टॉर पर भी काफ़ी तेज़ हो रहा है, 10,000 तो हो गया है।
और मैं आगे का पता नहीं, रिकॉर्ड नहीं कर पाया, मैंने ध्यान नहीं दिया, सॉरी गाइस इस चीज़ के लिए। ओके बट ये अब होना चालू हो गया है भाई, ये सच में डायनो को वो करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हुई है सच में। बस वही बात है यार, मेरा डायनो ना निपट जाए, क्योंकि मेरे पास बेरीज वगैरह और हीलिंग पोशन वगैरह कुछ ऐसा है नहीं जो मेरे को कर पाऊँ इसको। ओके देखते हैं ये कब तक हो पाएगा। 16-17 हज़ार तो हो गया इसका, एक बार में 5 हज़ार का दे रहा है टॉर पर। अच्छी चीज़ ये है कि भाई ये टॉर पर मतलब ये मेरे को डैमेज ज़्यादा नहीं दे रहा भाई, वो बहुत मार रहा था सच में भाई, बहुत ज़्यादा ही मार रहा था। ओके भाई ये टेम होना चालू हो गया है, ठीक है भाई। अभी 3 लाख हेल्थ है तो आई थिंक इतनी जल्दी नहीं जानी चाहिए। भाई बट सच में यार ये डायनो देख सकते हो आप, कितना ज़्यादा ही खतरनाक डायनो है सच में। तो गाइज ये है हमारा गीगा और बस 50 हज़ार टॉर पर अभी हो पाया, काफ़ी देर हो गई है। ओके और मेरी हेल्थ भी देख सकते हो, मेरी हेल्थ तो जा तो रही है बट देखते हैं कितनी देर में हो पाएगा, कन्फर्म मैं भी नहीं हूँ यार ये मर जाएगा कि नहीं। अगर मरता है तो मेरे पास और सारे डायनोज हैं। ओके तो ओके भाई अभी आप देख सकते हो इसकी हो चुकी है जो टॉर पर 1,30,000 तो टॉर पर हो चुका है और बस 5,000 के समथिंग और बचा है और काफ़ी जल्दी हो रहा है। एक बाइट में ये करीब करीब 500 अपना बढ़ा रहा है और देख सकते हो मैंने करीब करीब 40 से ऊपर रखे थे भाई, 10-12 तो 10-12 नहीं एक्चुअली ज़्यादा ही खा चुका है। ओके और ये हो चुका है टेम। ओके और वेकिंग गाइस ये 12 मिनट में हो जाएगा। तो अभी ये काम करता हूँ, मेरे पास अब मटन तो नहीं है बट मैं इसको यही खिला देता हूँ। ओके और ये कितने देर में होगा, ओके 4 ही खा रहा है तो ज़्यादा टाइम नहीं लेगा आई थिंक। तो भाई इसकी हेल्थ भी देख सकते हो आप, कितनी कम हेल्थ बची है सच में भाई, बहुत ज़्यादा ही हेल्थ कम बची है इसकी, काफ़ी तेज बढ़ा भी रहा है। तो गाइज ये हो चुका है गाइज बेहोश और ये होने जा रहा है हमारा डायनो टेम। 2 और खाएगा उतने में आई थिंक हो जाए। ओके ओके तो सबसे पहले तो सैडल बना के लेके आऊँगा यार, मैंने सैडल भी नहीं बनाई थी, इसको मैं क्रायो कर लेता हूँ, इसकी हेल्थ तो वो हो जाएगी आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ओके तो गाइज फाइनली गाइज हमारा डायनो हो चुका है भाई। हेलो ये गॉडजिला है क्या बे भाई, क्या भाई सच में भाई क्या तगड़ी आवाज़ है इसकी। तो गाइज ये हो चुका है टीम, अभी चलता हूँ गाइज घर पे और भाई इसको करते हैं ट्राई। और भाई मैंने थोड़ा बियर ट्रैप भी लगाया था यहाँ पे बट कोई फ़ायदा नहीं हुआ इसका, ठीक है अभी चलते गाइज जल्दी से और यहीं पे ट्राई करता हूँ इस डायनो को, कितना पावरफुल डायनो है। बेसिक पहले ट्राई करूँगा और इसका तो वेट भरा हुआ है, हिलो भाई वेट भरा हुआ है, तब तक कोई दिक्कत नहीं, जब तक इसका लेवल अप आता है तब तक मैं सारी चीज़ें कर लेता हूँ। क्राउच क्राउच भी करता है भाई ये, राइट क्लिक से रोर करेगा ये भाई, कितना बड़ा डायनो है ये भाई सच में, मेरे को माउस वो करने में कितना टाइम लग रहा है। अभी क्राउच होगा, ओ हेलो वाह भाई सीरियसली भाई क्राउच होता है ये डायनो। अभी इसको क्या दिक्कत आ गई, आई थिंक के मोड में, अच्छा सॉरी वेट वेट भरा हुआ है, जल्दी से लेवल अप हो जा भाई। ओके इसका लेवल अप आ चुका है, अभी देख सकते हो, अभी ये काम करता हूँ, अभी दिखाता हूँ भाई इसकी रोर भाई क्या ही। हेलो भाई सच में कुछ यार, ये तो लग रहा है मतलब एकदम टाइटन ही है भाई। ओ भाई साहब भाई क्या डायनो है सच में, काफी सारे डायनोज हैं वहाँ पे। सबसे अच्छी चीज पता है क्या, ये क्राउच होता है, अभी मेरे को ये फिर से भाई वो स्पेस वाला सीन आ रहा है बट मेरे को नहीं पता कि क्या होता है उससे। और ये देखो भाई क्राउच होके चल रहा है यार, ये देखो भाई क्या ही चल रहा है ब्रो, ये आई थिंक ऐसे मारता नहीं है क्या, ऐसे मारता नहीं है ठीक है, ऐसे मारता नहीं है। ओ भाई भाई हेलो भाई, लिटरली मैंने एक सिंगल पॉइंट नहीं डाला भाई, लिटरली आप ये चीज़ देखो भाई, मैंने एक सिंगल पॉइंट सिर्फ वेट में डाला है और भाई उसके बाद भी भाई 6,000 का डैमेज भाई, लिटरली क्या डायनो है। इसकी थोड़ी स्पीड बढ़ा देता हूँ मैं, स्पीड इसकी कम है ना, जो भी अपना सिर्फ क्राउच से सिर्फ क्राउच ही करता है और कुछ ज़्यादा करता नहीं है भाई। 24,000 का हेडशॉट दिया इसने, ओ भाई साहब, ओ इसको ऐसा डैमेज भी पड़ रहा है। तो गाइज ये देख सकते हो ये है हमारा डायनो, ओ भाई क्या मस्त चल रहा है सच में, क्या ही चल रहा है यार, ओ क्राउच कर दो तो अलग चलता है यार, चल ओ भाई साहब देखो भाई देखो क्या चल रहा है यार, मस्त डायनो है यार ये तो, बहुत ज़्यादा ही है ना। तो गाइज ये डायनो आपको कैसा लगा प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और इसका एक भयानक सा नाम प्लीज़ बताना।
भाई ये लग रहा है सीरियसली कोई टाइटन है भाई, कितना ही पावरफुल डायनो है ये। तो चलो गाइज आज के इस एपिसोड में इतना ही। आई होप ये डायनो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, इसका टेमिंग प्रोसेस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो प्लीज़ गाइज इस चीज़ के लिए एक लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। तो चलो गाइज आज के इस एपिसोड में इतना ही, आई होप आपको ये अच्छा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू एंड नमस्ते।